हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनेट साइंस में, और मैं हूं अजय। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है मोमेंटम। तो आज हम मोमेंटम को समझेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मोमेंटम को देखते हैं, मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम सिंपल भाषा में कहा जाए तो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, और वो कौन से क्वांटिटीज़ है, मास एंड वेलोसिटी। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम दर्शाते हैं पी से, मास को एम से, और वी वेलोसिटी को वी से। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें वेलोसिटी इंक्लूड है जो हमें डायरेक्शन दिखाती है, और उसका ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको बेहतर तरीके से जान लेते हैं। ये मास और वेलोसिटी का मिश्रण या कॉम्बिनेशन हमें देता क्या है। तो इस एग्जांपल में आपको एक कार दिख रही है और एक साइकिलिस्ट दिख रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी दोनों के भी सेम है। आप इमेजिन कीजिए कि इस जगह पर आप खड़े हैं, एक कार आ रही है जो एक ग्रीन कलर की कार, और एक साइकिल आ रही है आपकी तरफ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कार के सामने चले जाइए या साइकिल के सामने चले जाइए। ओके, तो दोनों भी ऑप्शन अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपको बचना है, आपको कम से कम चोट अपने ऊपर लेनी है, तो आप क्या करोगे? तो आप साइकिल के सामने चले जाओगे। ऐसा क्यों? वेलोसिटी दोनों की सेम है लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो साइकिलिस्ट साइकिल के साथ, उसका मास हो सकता है 150 kg तक, और कार का मास 2000 kg तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम मिलेगा कार का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा साइकिलिस्ट से। आपको कम चोट साइकिलिस्ट के सामने आने से लगेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को बढ़ा दीजिए तो मोमेंटम बढ़ेगा, आप मास को भी बढ़ा दीजिए तो मोमेंटम बढ़ेगा, अब दोनों को भी बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बहुत बहुत बढ़ जाएगा। तो इस केस को देखते हैं, यहाँ पे एक विंडो है जिसके सामने हमने रखा है एक गन को, एक रॉक को और एक फुटबॉल को। तो इस विंडो को हमें ब्रेक करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फुटबॉल। तो फुटबॉल को अगर हम विंडो के ऊपर मारे तो चांसेस है कि वो टूट जाए, लेकिन फुटबॉल की वेलोसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर हम उसे धीमे से फेंक देंगे या फिर धीमे से मारेंगे तो ग्लास नहीं टूटेगा। तो इसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मास तो फुटबॉल का कांस्टेंट है, तो हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर ग्लास ब्रेक होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है रॉक का। रॉक का मास ज़्यादा है, तो अगर हम उसे कम वेलोसिटी से भी फेंक दें तो उसका ओवरऑल जो मोमेंटम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो विंडो ब्रेक हो जाएगी। और इन दोनों से भी कम जो मास है वो है बुलेट का, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों से। तो इस केस में हमने वेलोसिटी को बहुत बढ़ा दिया लेकिन मास कम है, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा है। आपको समझना पड़ेगा, मोमेंटम सिर्फ मास से या सिर्फ वेलोसिटी से नहीं आता, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो मोमेंटम के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको और कौन से वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।